बात स्मार्टफोन की हो रही है जो आज हम सभी की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यही स्मार्टफोन अब धीरे धीरे हमारे लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में दो ऐसे मामले सामने आए जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि स्मार्टफोन जी का जंजाल साबित हो रहा है, यहां तक कि हमारे शरीर के लिए ये काफी खतरनाक भी होता जा रहा है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले सावधान। अंधेरे में स्मार्टफोन इस्तेमाल किया तो जाएगी रोशनी। सोने से पहले अब इस्तेमाल मत करना स्मार्टफोन। अगर आपको सोने से पहले देर तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की आदत है तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। ये आदत आपके लिए न केवल जानलेवा साबित हो सकती है बल्कि आपकी आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोने से पहले अंधेरे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपके देखने की क्षमता को न सिर्फ प्रभावित कर सकता है बल्कि जीवन भर आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दरअसल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टरों के सामने दो महिलाओं के ऐसे मामले सामने आए। इनमें से एक महिला की उम्र 22 साल तो दूसरी की 40 साल थी। इन महिलाओं को कुछ वक्त के लिए दिखाई देना बंद हो गया था। महिलाओं के कई टेस्ट किए गए लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर्स को इसका पता नहीं चल पाया। बाद में पूछने पर इन्होंने बताया कि रात में सोते वक्त अंधेरे में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के समय उन्हें अक्सर ऐसी समस्या आती है। इसके बाद डॉक्टर्स को असली समस्या का पता चला। 22 साल की लड़की के मामले में रिपोर्ट में बताया गया है कि वो बाई ओर लेटकर अंधेरे में अपनी दाई आंख खोलकर स्मार्टफोन की स्क्रीन देखती थी। उसकी बाई आंख इस दौरान तकिए से बंद रहती थी। तो वहीं 40 साल की महिला के केस में वो सुबह उठने से पहले बेड पर लेटे लेटे ही स्मार्टफोन पर खबरें पढ़ती थी। ऐसा करीब एक साल तक चलता रहा। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद इन्होंने सावधानी नहीं बरती जिसके चलते अब ये पूरी तरह आंखों की रोशनी गंवा चुकी हैं। डॉक्टर्स ने इस बीमारी का नाम ट्रांजिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस बताया है। ये इस तरह का पहला केस है। इसमें धीरे धीरे आंखों के रेटिना पर प्रभाव पड़ता है और एक समय बाद आंखों से देखना बंद हो जाता है। ऐसा अधिकतर अंधेरे में स्मार्टफोन को देखने के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ब्रिटिश महिलाओं में ही स्मार्टफोन को लेकर इतनी दीवानगी देखने को मिली। दुनिया भर में स्मार्टफोन को लेकर लोगों में किस कदर दीवानगी है उसका हाल ही में एक उदाहरण तब देखने को मिला जब इसे लेकर कुछ आंकड़े सामने आए। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्टबर्ग और नॉटिंगम यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में बताया है कि पुरुष 20 सेकंड से अधिक खुद को स्मार्टफोन से दूर नहीं रख पाते तो वही महिलाएं 57 सेकंड से ज्यादा खुद को स्मार्टफोन से दूर नहीं रख पाती। स्टडी में आगे बताया गया है कि औसतन पुरुष और महिलाएं दोनों स्मार्टफोन से 44 सेकंड से अधिक समय तक दूर नहीं रह पाते। स्टडी में ये भी सामने आया है कि हम जितना फोन इस्तेमाल करेंगे उतना ही तनाव भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि हाथों में स्मार्टफोन हो तो सेल्फी लिए बिना रहने की कल्पना भी आज के समय में नहीं की जा सकती, लेकिन इस शौक के भी काफी साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग सेल्फी ज्यादा लेते हैं उनके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं। स्मार्टफोन से निकलने वाली लाइट और रेडिएशन चेहरे को नुकसान पहुंचाती है। इन किरणों के कारण चेहरे के डीएनए नष्ट हो जाते हैं जिससे झुर्रियां आने लगती हैं। ऐसे में आज स्मार्टफोन हम सभी के जीवन का एक खास हिस्सा बन गया है। ब्रिटेन में दोनों महिलाओं के साथ सामने आई घटना हो या स्मार्टफोन के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स पर सामने आए आंकड़े, इन सब से हमें सबक लेना होगा और धीरे धीरे सामाजिक महामारी का रूप ले रही इस बीमारी से खुद को बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।